दोस्तों बिना इनकम प्रूफ के बहुत बड़ा बजट का यहाँ पे इंस्टेंट आपको क्रेडिट मिल रहा है, किसी भी प्रोडक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सच में आपको क्रेडिट कार्ड की नीड है और आपको ऑनलाइन में बहुत सारे आपने वीडियो देखा है, आपको नहीं मिल रहा है, किसी न किसी वजह से नहीं मिल रहा है। एक सैलरी प्रूफ आपको चाहिए होगा उन्हें दिखाने के लिए, तब जाके आपको क्रेडिट कार्ड आपको अप्रूवल करेंगे। तो इस वीडियो में सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन एक इस वीडियो में आपको दिखने वाली है। जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसी स्टेप में आपको बताने वाला हूँ, अभी लाइव प्रूफ के साथ में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो अगर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को टच करेंगे तो आने वाली वीडियो जो है आपके मोबाइल पर डिस्प्ले होगी और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसे देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर में हूँ। सबसे पहले मैं अपना लिमिट दिखाता हूँ आपको, और लिमिट में मुझे कैसे मिला वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो लिमिट दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे क्रेडिट, आपको नीचे बॉटम में आपको दिख रहा है क्रेडिट लिखा हुआ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप क्लिक करेंगे तो आपके भी प्ले स्टोर में, सॉरी आपके जो एप्लीकेशन के अंदर में ऐसे शो हो रहा होगा। अगर ऐसे शो नहीं हो रहा है इसका भी मैं सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको शो होगा, और एक मुझे जो इतना बड़ा लिमिट मिला वो आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्टिवेट नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। फाइनली यहाँ पे ये क्या है कैसे मिल रहा है वो चीज हम बाद में वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे मैं एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करूंगा मेरे सामने मेरी लिमिट आपको शो होगी, जो आप यहाँ पे देखेंगे ये मेरा लिमिट है और एक बहुत ही अच्छा लिमिट है। आई होप गाइस कि आप देख पा रहे हो 50,000 की लिमिट मुझे मिला है। आप यहाँ पे भी स्क्रीन पे बिल्कुल लाइव देखिए, बहुत ही कम लोगों का मिलता है। मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ ये कैसे मिला मुझे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये IDFC फर्स्ट बैंक, कौन सी बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक इस अमाउंट को प्रोवाइड कर रही है बाय फ्लिपकार्ट के द्वारा, मतलब बाय फ्लिपकार्ट आपको दे रहा है। IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड भी है लाइफ टाइम फ्री, वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा वहां पे आपको मिलेगा। लेकिन फिर से वहां पे आपको इनकम प्रूफ भी, आपको सैलरी ये सारे चीज दिखाना होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक आधार कार्ड एक पैन कार्ड बस इनफ। एक बात ध्यान रखना, आपकी जो आधार कार्ड है उसका रजिस्टर नंबर आपके पास होना चाहिए, नहीं हो तो प्रॉब्लम होगा। आप यहां से इंस्टेंट अपने एक क्रेडिट कार्ड एक ले सकते हैं। अगर आप सोचोगे जानते हो कि ही इज नॉट ए क्रेडिट कार्ड, इज नेम ऑफ द फ्लिपकार्ट पे लेटर, व्हाई यू टेलिंग मी यार क्रेडिट कार्ड, तो जस्ट आई एम मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इज ए क्रेडिट कार्ड बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, जैसे कि यू कैन ट्रांसफर योर प्रोडक्ट बाय EMI कन्वर्ट। उसके बाद में यहाँ पे जो पे लेटर है 20,000 पे लेटर मीन्स एज ए सेम यार क्रेडिट कार्ड, लाइक ये आप आपने लिया है और आपको एक महीने के बाद एक बिल जनरेट होगा, देन उस बिल को आप इजी पे करते हैं। किसे, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे देखिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सारी के वीडियो का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीजें प्रूफ करनी होती है इन सभी को लेने के लिए, राइट। लेकिन इसी लेने के लिए कोई चीज प्रूफ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ अपनी आधार कार्ड और पैन कार्ड देना है। सिस्टम मेटिक है, मतलब कि ये डिफॉल्ट आ रहा है, ये सिर्फ आप यहीं से कर सकते हो, मतलब ये फ्लिपकार्ट से ही आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए KYC आपको सिर्फ डन करना है, और KYC के लिए क्या है मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, शायद ये शो करे आपकी हेल्प के लिए तो शायद बेस्ट होगा। KYC यहाँ पे एक्टिवेट है, आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे किया है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वैलिड टिल 2031, इतने साल तक की इसकी वैलिडिटी है। शायद मुझे अभी पता चला है KYC की भी वैलिडिटी होती है। वेल कोई नहीं, आपको भी पता चल गया, यहाँ तक आपने देखा है तो मतलब वीडियो अच्छी लग रही है यार, प्लीज लाइक कर दीजिए, मजा आता है वीडियो को लाइक जब होती है, अच्छा लाइक दिखता है। हम बैंक जाते हैं, अरे हो गए इसके आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पे लेटर में आपका क्या है, EMI क्या है, ये क्या है। ये नीचे वाला आप यूज मत कीजिएगा, मतलब कि इसे यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भी मिला है तो आप यूज कर ही सकते हैं। अब ये चीज आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ऐसे ही कर सकते हो। आपको मैं बताऊं कि इसका रीपेमेंट आपको कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे 3 लाइन टॉप पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपकी अपने एप्लीकेशन के अंदर में। जब ये ट्राई कीजिएगा तो आपके पास एक फ्लिपकार्ट के अकाउंट होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर नहीं होगा ना, आपका अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। डायरेक्ट डाउनलोडिंग करके करोगे तो नहीं होगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आना है अकाउंट में। अकाउंट में आने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। प्रोफाइल आने के बाद में आप थोड़े से स्क्रीन ऊपर लीजिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है, ये 50,000 मिला है। यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से वही आपको अमाउंट दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपने स्पेंड किया है वो चीज़ यहाँ पे का एक बटन आ जाएगा कि आप पे कीजिए। पे करने के लिए आप गूगल पे, फोन पे वगैरह से आप इजी कर सकते हो,
यूपीआई से कर सकते हो। फिलहाल मैंने यूज ही नहीं किया है, 50,000 मेरे आपके आंखों के सामने है। अब अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, देखो मुझे भी नहीं मिल रहा था, मैंने भी क्या किया आपको मैं बता दूं, मैं कम से कम 5 से भी ज़्यादा मैंने यानी कि 6-7 मैंने अकाउंट क्रिएट किया फ्लिपकार्ट की और अलग अलग तरह के। मैंने उसमें क्या किया, एक थोड़ी सी यूनिक काम किया, आप हंसोगे, यहाँ तक देख रहे हो तो जान लो यार, बड़े बड़े जो डिलीवर वाली जो प्रोडक्ट है ना उसे मैं ऑर्डर कर रहा था कैंसिल कर दे रहा था, ऑर्डर कर रहा था कैंसिल कर रहा था, ऐसे ऐसे करके करके मैंने सब में किया ऐसे। बाद में एक जगह मैं देख रहा हूँ मुझे बार बार मेल आ रहा है आपका ऑर्डर पे, मैं अपना ऑर्डर पे आपको दिखाता हूँ कि आपको भी यार मजा आ जाए कि यार बिल्कुल आप एक रियलिटी फील कर रहे हैं। यहाँ पे माई ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर को मैंने रिफंड किया है, ये भी रिफंड है, ये भी रिफंड है, ये भी रिफंड है, ये डिलीवर है, ये डिलीवर है, कुछ भाई ने कुछ सामान मंगाया था ये भी मैंने कैंसिल किया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने रिफंड किया, कैंसिल किया, ऐसे ऐसे मतलब करते गया। तो इससे क्या पता चला कि पता नहीं जो भी है सिस्टमेटिक ने ऑटोमेटिकली मुझे जनरेट किया और मैं एक बार देखा मुझे यार सच में आ रहा है, मैं वीडियो बनाया और मैंने उस वीडियो का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ बताने की कोशिश किया कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। इसमें भी मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना है, इजी यू कैन डू यार। किस तरह से इश्यू आता है तो आप मेरे किसी भी वीडियो में आकर के आप कमेंट कर सकते हो, बस आप नाम बता देना कि क्या चीज आपको इश्यू आ रहा है और किस वीडियो की बारे में आप बात करना चाह रहे हो। तो आई होप गाइस कि आप समझ गए इंटरेस्ट रेट की जो भी बात है, तो अगर ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो 22% और अगर आपकी जो लिमिट मिला पे जो लेटर में अगर आप इसे यूज करते हैं 1000 से ऊपर जाते हो तो 1000 पे 10 रुपीज बिल के अंदर में ऐड होके आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 1000 रुपया स्पेंड करूंगा ना तो 10 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, लेकिन 999 रुपये का अगर मैं पेमेंट कोई जगह में स्पेंड करता हूँ फ्लिपकार्ट पे तो वो क्या होगा, 999 रुपये ही आएगा। एक मंथ में मुझे पेमेंट को क्लियर करना है, अगर मैं पेमेंट देने में लेट करता हूँ अपने ट्रांजेक्शन में तो कंप्लीट नहीं करता हूँ, तो उसके लिए क्या है वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कीजिएगा, उसके लंबी सारी कहानी आ जाएगी, उसमें सारा चीज मैंने बताया है कि वो कैसा है, लेट पेमेंट क्या है, कैसे करना है। तो लेकिन ये सारी चीज थी जो आपने ऑलमोस्ट 99% समझे गए। लेट फीस की बात है तो वीडियो देख लीजिएगा, यहां तक वीडियो देखा है मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा और यहां से आप जो है ये क्रेडिट लिमिट क्रेडिट कार्ड जो भी कहिए आप यहां से लीजिए यूज कीजिए। बाद में एक अच्छा खासा सिबिल स्कोर अगर बन जाता है तो सिबिल स्कोर के बेस पे 99.9% कंपनियां आजकल मुझे क्रेडिट कार्ड दे रही है। जॉब में छोड़ चुका हूं, क्रेडिट कार्ड फिर भी मिल रहा है और मेरे ही चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट जो है आप चेकआउट कर सकते हैं, सिर्फ सिविल स्कोर के बेस पे क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। आई होप गाइस कि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया आपको समझ में आया, मजा भी आया होगा। मिलते हैं ऐसी एक और जबरदस्त और शानदार वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो आपके मोबाइल पे डिस्प्ले हो और आप अपने नीट के कारण आप उसे देख पाए। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।